भविष्य खोल, मेरे चैनल पूरा कचरा पर, जो नाम अंकित है गंदी बात। इस पुस्तक के लेखक हैं क्षितिज राय। कथांश जो है पत्र की तरह बांधे रहती है, कहानी एक रिदम से चलती रहती है। ऐसा लग रहा है कि गोदान पढ़ रहे हैं और कई पात्र मिल करके जो है वहीं पहुंचना चाह रहा है। तो क्षितिज राय की यह कहानी गोल्डन और डेजी नामक दो पात्रों के बीच से होकर के गुजरती है। एक दिल्ली में रहती है प्रेमिका, और प्रेमी जो है गांव के बस्ते से होते हुए दिल्ली तक पहुंचता है। पुस्तक में जो है बिहारी प्रवृत्ति को, बिहारी संस्कार को दिखाया गया है। ये पुस्तक काफ़ी अच्छी है, और जहां यहां जो है जो फिल्में भी चलती है वर्तमान में, जिस फिल्मों को हम देखते हैं, तो बिहारी लड़कपन में क्या होता है कि लड़का लड़की जो है उसी फिल्म के हीरो हीरोइन की कल्पना करने लगता है। इसके जो नायक हैं ठीक उसी तरह से जो है कल्पना में डूबे हुए रहते हैं। अपनी प्रेमिका को पाने के लिए दिल्ली तक का सफ़र करता है, और उसे जो है हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री की हर फिल्म की तरह जो है उनको लगता है कि यह मेरी ही कहानी है। और इस बातों को समझता है कि अपनी गलियों का जो अपनापन है वह गांव में ही मिलता है, न कि शहरों में मिलता है। प्रेम कहानी में जो है हीरो को समझदारी से दिखाया गया है, समझदारी से वो खड़ा हुआ है, और अंततः जो है इस कहानी में वो अपने आप को ढूंढ पाता है। जिसे कहते हैं सब गंदी बात, जिसे कहते हैं सब गंदी बात, क्या होती है वाकई वह गंदी सी कोई बात। हर कहानी एक अंधेरे से निकलती है और उसी में खो जाती है। सच्ची कहानी वह है जो आसपास दिखने लगे, और ऐसी कहानी कम लिखी जाती है जो सुनाई ज़्यादा देती है। तो लेखक जो प्रयास किए हैं गोल्डन और डेजी के माध्यम से, दोनों की चिट्ठियाँ लखन ऑटो वाला किस्सा गो है, मतलब दोनों इस तरह से कथा गढ़ा जाता है कि आप पढ़ते पढ़ते अंत तक पहुंच जाएंगे और कहानी आपके अंदर जो है रोमांच पैदा कर देगी। तो मित्रों, इस कहानी को पढ़ें, क्षितिज राय की इस पुस्तक को पढ़ें, और मेरे चैनल पूरा कचरा पर जो है सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।